अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। यहाँ पर सुबह का टाइम है, पूरे घर की सफाई हो चुकी थी, बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके थे, तो मैं यहाँ पर बखूर जला रही थी। ये मैंने लिया था हुंजा कैंडल से, इस पेज से या इस वेबसाइट से। जितनी भी मैंने चीज़ें मंगाई हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी मंगवाना चाहती हैं तो आप हुंजा कैंडल से मंगवा सकती हैं चीज़ें। बच्चे गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि जब वो नमाज़ पढ़ कर आएंगे तो मैं उनके लिए गिफ्ट्स तैयार रखूं, जो कि मैं एज अ फॉर्म ऑफ ईदी ऑब्वियसली दूंगी। एक हर बच्चे को मैं दो दो एनवलोप दूंगी, एक होगा उनकी ईदी के लिए और दूसरा एनवलोप होगा उनका जो रिवॉर्ड होगा वो। माशाल्लाह से उन्होंने इस दफ़ा दोनों मेरे बेटों ने 30 रोज़े मुकम्मल किए हैं। एक बेटा तो मेरा माशाल्लाह से 12 साल का है, दूसरा बेटा मेरा 10 साल का है। उसकी हिम्मत है, उसने माशाल्लाह अपने भाई के साथ रोज़े कम्प्लीट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझसे हो सका और जितना बच्चों से हो सका नमाज़ें वगैरह भी उन्होंने पढ़ी हैं। तो मैंने सोचा कि बेशक इसका जो रिवॉर्ड है रोज़े का वो तो अल्लाह ख़ुद ही देता है, तो मोटिवेट करने के लिए और मज़ीद उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि मुझे भी रिवॉर्ड देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनको अब दो एनवलोप दूँगी, तो इंशाल्लाह वो खुश ही हो जाएंगे। तो बस इनको रेडी करती हैं। इन केस बच्चे लेट आए और मुझे नींद आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं उनके दोनों के पिलो के ऊपर ना ये रख दूंगी, ताकि जब वो आएँ तो ये ईदी रिसीव करें और ख़ुश हो जाएं। और मज़े की बात यह है कि मेरे बच्चों ने एनवलोप खोले ही नहीं, क्योंकि मैं सो गई थी, बच्चे लेट हो गए थे, तो फिर उन्होंने जब तक मैं नहीं उठी सोकर उन्होंने नहीं खोले। और यहाँ पर अब मैं रेडी हो रही थी और ये जो प्यारी सी वॉच देख रही हैं, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, बहुत प्यारी माशाल्लाह से ये वॉच है। अच्छा जी, अब जी आ गई है दोबारा से ईदी देने की बारी, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल नहीं खोला था एनवलोप को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब दोबारा से मैं एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं मेमोरीज़ के लिए। तो बच्चे अभी तक उनको नहीं पता था कि अंदर मैंने कितनी अमाउंट रखी है, और माशाल्लाह बच्चों के सब्र की दाद देनी पड़ेगी। तो अभी हम दोबारा से ऐसे मिल रहे थे ईदी जस्ट के मेमोरीज़ बन जाएँ। तो ये थी मेरी प्यारी सी ईद की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने बड़ों से मिलने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।